मौके पे प्रशासन को बार बार बुलाया जा रहा है लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है। ये किस प्रकार की मशीनें हैं और कहां ले जा रही हैं? स्ट्रांग रूम को बिना कैंडिडेट के बताए हुए क्यों खोला गया? हाँ ये सो आ जाए, कहते तुमने सालों को अंदर कैसे जाने दिया, तो कहीं का बताई चला गया, चला गया अपना पर्चे दिए तो जा रहे हैं, सरकारी आदमी हैं, हम जाए नहीं थे। नहीं हम लोग सरकारी नहीं है सर, आप नहीं है तो हैं। हाँ तो ये है ना, लेकिन सरकार का मसला हम जानते ही, जहाँ उच्च अधिकारी आओ तहाँ बदले आप, फिर देर न लागे। वर्कर भी है, हम तो रोज यही ना देखा था ही ना। जिला अध्यक्ष श्री योगेंद्र मिश्रा, कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी अमेठी, मौके पर मौजूद। हेलो, अरे जो मोदी जी ने बोला उसी पर है, आवाज ही रखे हैं। 32 है। बिना जानकारी के स्ट्रांग रूम कैसे खुल गया जो है, और उसके बाद मतलब पता तो हो कि सीरियल नंबर की क्या जा रही क्या नहीं, इससे पहले आप हर सूचना देते थे। जिन भेजे धरा रहा है ना, ये सब आवाज दिया पूरा सर, दुनिया जाने की सब मशीन लग के भाग दिया बुरचो दे बोल दिया कि बवाल हो जा रहा है। लादने वाले हैं, नंबर तक नहीं है, जिस पे लग रही है इन गाड़ियों का नंबर भी स्पष्ट नहीं है। मौके पे प्रशासन को बार बार बुलाया जा रहा है लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है। ये किस प्रकार की मशीनें हैं और कहां ले जा रही हैं? स्ट्रांग रूम को बिना कैंडिडेट के बताए हुए क्यों खोला गया? सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।